गाइस। ना ना फ्रैंक भाई, हाँ तक्की निकल आई भाई, रह गई। डेथ भाई कितनी गलत बात है। हाँ तुमने जैसे खेत देखे तुम चालू हो गए। प्रियंक भाई तुम भी, वो भी इतनी पास बैठे बैठ के। अरे यार कितनी गलत बात है यार, घर में शौचालय बनवाओ। भाई ये चेक करो, ये देखो ये कंडीशन पता किसने करी है, इस बंदे ने, इस बैग की कंडीशन और इसके ओनर की भी कंडीशन। ये देखो भाई चेहरा देखो, अरे भाई के दिखाना, अरे भाई पाउडर लग गया भाई। भाई अब आर एस भाई बहुत पानी है इसके अंदर यार, बहुत ज्यादा पानी है मेरे भाई, बाइक मेरी पूरी अंदर चली गई। ओह मैं डर गया यार। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज सुबह से ही बारिश हो रही है यहाँ पे भाई। अभी हम जा रहे हैं राइड पे और आज भाई बारिश है तो आज हम करेंगे ऑफ रोडिंग। कोशिश भाई पूरी यही रहेगी कि ऑफ रोडिंग करें, बाकी का देखते हैं कैसा क्या सीन होता है। और अभी मेरे साथ है डेविल भाई जो कि आरसी पे हैं पीछे। भाई आरसी पे होंगे तो पीछे ही होंगे। हमें मिलने वाले हैं आगे आरब भाई, फ्रैंक भाई। बस भाई और ऑफ रोडिंग का प्लान कर रहे हैं भाई अतरंजी खेड़ा पे, क्योंकि बारिश आज सुबह से हुई है तो वहाँ पर ऑफ रोडिंग अच्छी खासी हो सकती है, क्योंकि बहुत पानी पड़ा है भाई, बहुत ज़्यादा पानी पड़ा है। भाई अपने डोमिनार की सर्विस का टाइम जो है वो आ गया है तो जल्दी से अपनी बाइक की करवाएंगे सर्विस एक दो दिन के अंदर, क्योंकि सर्विस का टाइम ओवर होने से पहले ही करा लेंगे। बारिश की वजह से पूरा मार्केट भी नहीं अच्छे से खुला है, क्योंकि घर से निकलने किसी को मौका ही नहीं मिल पाया यार। रात से बारिश हो रही है, रात से अभी तक बारिश हुई है तो आज थोड़ा खाली खाली सा माहौल नज़र आ रहा है रोड पे भी। भाई अभी अपनी बाइक में फ्यूल के, ये देखो फ्यूल के 3 सेल तो है ही तो डलवाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो डला लेंगे भाई। अब की बार भाई टैंक फुल ही कराऊंगा मैं। तो गाइस बारिश तो काफ़ी हुई है तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है जो नदरई का जो ब्रिज है उसके नीचे पानी भर गया होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश में भाई वहाँ पे पानी भर ही जाता है। तो गाइस मैं इतनी देर से इसको मिट्टी समझ रहा था, मैंने कहा शायद मीटर के अंदर मिट्टी वगैरह घुस गई है, लेकिन भाई ये तो कुछ हो रहा है, ऊपर से साफ ही नहीं हो रहा यार, ये पता नहीं क्या हो गया मीटर अंदर इसके यार। अरे यार कहीं खुलवाना ना पड़े मेरे को ये। भाई यहाँ मैं कह रहा था यहाँ पे पानी ना भरा हो, क्योंकि इतनी बारिश हुई है यहाँ पानी ना भरा हो तो फिर बारिश की तोहीन है, पूरा भरा पड़ा इधर। थोड़ा नहीं बहुत भरा हुआ भाई। अरे भाई भाई बहुत पानी है इसके अंदर यार, बहुत ज़्यादा पानी है मेरे भाई, बाइक मेरी पूरी अंदर चली गई। ओह मैं डर गया यार, बहुत पानी है। एक टाइम पे भाई देखो पूरी बाइक अंदर चली गई है, इंजन तक डूब गया, पूरा धुआं निकल रहा है। तो बहुत पानी है भाई इसके अंदर तो यार। भाई आरसी कैसे निकलेगी भाई, मेरे को लग ही रहा था। बहुत पानी है यार, बहुत पानी है, मेरा पूरा इंजन चला गया अंदर। जी देखो अंदर से पानी कितना निकल रहा है भाई, देख रहे हो कितना पानी है, पूरा इंजन तक डूब रहा है अंदर भाई। बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है इसके नीचे तो, छोटी जो स्प्लेंडर वगैरह भाई वो तो बंद हो रही है। गाइस अब यहाँ से निकलते हैं यार, यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो रखा है यार।
भाई वहाँ मैंने क्या बोला था, पहले ही मैंने बोला था कि कहीं पानी मिले या ना मिले, वहाँ पानी 100% मिलेगा यार। थोड़ी सी भी बारिश हो वहाँ पानी जरूर आ जाता है। भाई ये गाड़ी कितना काला धुआं देने लगी यार, या देती होगी पहले से ही, पानी में डूबने के बाद थोड़ी देगी। सामने चेक करो, मेरे को लगा ये फॉग है, लेकिन ये फॉग नहीं, ये इसका कमाल है भाई। ये देखो अजीब तरीके से धुआं निकलता है इसके अंदर से। भाई सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है भाई, कुछ करना चाहिए यहाँ किस चीज का यार। पेट्रोलियम पंप तो गाइस हमें मिलने वाले सारे दोनों भाई लोग मेरे अच्छी, तो जल्दी चलते हैं भाई। ने मेरे को नहीं पता था, क्योंकि ये जब पूरी डूब गई भाई, इंजन के ऊपर तक पानी आ गया ये समझो। अगर जैसे ही एक्सीलेटर बंद होता ना, मेरे कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर पानी घुस जाता। अरे यार अचानक से गहरे में चली गई, मैंने कहा अब भाई यहाँ गिर सकता हूँ मैं। तो गाइस हम लोग आ गए मेरैची, तो गाइस हम लोग पहुँचने वाले मेरैची, और प्रैंक भाई का कॉल आ रहा है, तो मैंने इसीलिए नहीं उठाया क्योंकि अब मैं पहुँचने ही वाला हूँ, तो क्या ही कॉल उठाऊँ, वहीं मिलेंगे हमको। अभी तक तो भाई दिखे नहीं है, पता नहीं कितनी आगे खड़े हुए हैं भाई। रास्ता चेक करो, क्या हालत हो रखी है यहाँ के रास्तों में। अरे यार ऑफ रोडिंग करने आए थे, लेकिन कीचड़ देख के बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही यार। भाई मेन रोड पे इतनी सारी मिट्टी कैसे आ गई यार? और ये बता कौन सी मिट्टी है जिसमें बाइक स्किड करती है, बहुत ज़्यादा स्किड करती है, वो वाली मिट्टी है। तो भाई अपने दो भाई लोग और आ चुके हैं, हमें बुला के खुद नहीं आ रहे हो, तो यहाँ पे आएंगे कि वहाँ पे आएंगे? गाइस हमारे आसपास के जितने भी सिटी हैं भाई, हमारे आसपास के जितने भी शहर हैं, वहाँ पे इन सब चीज़ों का कल्चर नहीं है इतना, मोटो व्लॉगिंग का, यूट्यूब का। तो सब लोग ये समझते हैं कि हम लोग कहीं बाहर से आए हुए हैं, तो वो यही पूछते हैं कि भैया कहाँ के हो, जब हम लोग बताते हैं कि कासगंज के हैं, तो भाई वो लोग कहते हैं हाँ भाई। आगे तीनों बाइकों में एग्जॉस्ट है, KTM में मतलब एग्जॉस्ट नहीं, लेकिन साउंड उसकी थोड़ी सी, उसकी साउंड एग्जॉस्ट की तरह ही है। और जो आगे RS है, उन दोनों में तो भाई प्रॉपर लग रखा है, तो भाई साउंड बहुत तगड़ी आ रही है। बहुत देर में भाई, थोड़ा सा दूर रह गया अतरंजी खेड़ा, चलते हैं जल्दी से वहाँ जाके देखते हैं वहाँ का क्या सीन है, वहाँ कैसा ऑफरिंग का माहौल बना हुआ है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं इस वाले रोड से, क्योंकि इस पे भाई बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग मिलती है गाइस। भाई इधर बारिश तो बहुत हुई है, तब डर लग रहा है कि कहीं कोई ज़्यादा खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग ना मिल जाए। भाई अगर आप लोगों ने हमारा पिछला व्लॉग नहीं देखा ऑफ रोडिंग वाला, वो देखना भाई, उसमें बहुत बार बाइक गिरी है, बहुत बार गिरी है। तो भाई यहाँ से चेक करते हैं ऑफ रोडिंग कर। भाई अपनी तो निकल रही है आराम से, पीछे पब्लिक की चेक करते हैं। आ जाओ भाई, कम 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 भाई, ये देखो क्या हाल हो रखा है पीछे। पहले आ रही RC, वहीं से लेके आयो, यहां से मेरी डोमिनार निकली है, जहां पे मेरे डोमिनार के टायर छप गए वहीं से निकाली है तुमने। तो गाइस आरा भाई की उंगली में लग रही है, लेकिन तब भी आरा भाई निकाल देंगे यार। भाई बहुत खतरनाक ऑफ रोडिंग है इधर तो। अंदर गई बाइक, अंदर चली गई अंदर। भाई अब RS।
भाई आगे तो बहुत खतरनाक व्यू है। प्रैंक भाई गलत बात है तुम्हारी यार। ये देखो मिट्टी कहां से निकल रही है, गर्दन से मिट्टी निकल रही है। प्रैंक भाई ने देखो क्या करा है, क्या कर रहे हो, मुझे आगे निकल जाने दो। भाई आरसी आरसी निकल गई निकल गई निकल गई भाई। चलो प्रैंक भाई तुम निकालो, तुमने मुझे गंदा कर दिया। अरे भाई पीछे रहो। भाई इन्हें मेरे ऊपर भी ऐसे करा, मैंने तुरंत नीचे मुंह कर लिया। डेविल भाई, डेविल भाई, अरे भाई का मुंह देखो। गाइस अब जा रही है आरएस। भाई ये चेक करो, ये देखो ये कंडीशन, पता किसने करी है, इस बंदे ने, इस बाइक की कंडीशन और इसके ओनर की भी कंडीशन। ये साफ करता रहूंगा। ये देखो भाई चेहरा देखो, अरे भाई का दिखाना आ रहा भाई। पाउडर लग गया भाई। डेल भाई कितनी गलत बात है। हाँ तुमने जैसे खेत देखे तुम चालू हो गए। प्रियंक भाई तुम भी, वो भी इतनी पास बैठे बैठ के। अरे यार कितनी गलत बात है यार, घर में शौचालय बनवाओ। भाई रुक जा, मुझे हट जान दो पीछे से। भैया मेरी बाइक खड़ी नहीं हो पा रही यहाँ पे। गाइस ये चेक करो। नहीं भाई नहीं होगी। अरे निकाल लो यार टायर अंदर जा। ये देखो भाई। गई फ्रेंक भाई तुम्हारी तो गई। और सुनो एक बात है तुम्हें, एक और गुड न्यूज, आरसीबी गई, आरसीबी नहीं निकलेगी अब। भाई अभी R15 तो निकल रही है धीरे धीरे। भाई सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे आगे पैर, और भाई दिक्कत यही बता रहा था भाई, पैर कट रहे हैं यहाँ पे। भाई निकल आई निकल आई निकल आई भाई, रह गई फिर रह गई। खड़े हो गए। हाँ निकल रही है। भाई और टायर अंदर चला गया, उधर देखो। भाई R15 तो निकला ही वहां से यहां तक। भाई धक्का लगाते हैं R15 में। चलो भाई ये निकल गई, अब आरती कैसे निकलेगी, ये भाई निकालेगा। फ्रैंक भाई, फ्रैंक भाई इस बाइक को उठा के अगर मेरी तरफ खींच सकते हो तो खींच दो। रुक जाओ मैं भी आ रहा हूँ, रुक जाओ। ये अंदर जा रही है, जितना खींच रहे उतना ही अंदर जा रही है भाई, फेरिंग लग गई बिल्कुल। तो गाइस ये लोग पहले अंदर लेके घुस गए थे, मुझसे बोला तू पीछे रह, फिर तू आगे आई हो बाद में। भाई इतनी मेहनत तो मेरे को अपनी बाइक निकालने में नहीं लगी, मेरी तो खैर फंसेगी नहीं भाई। भाई आरसी के टायर की कंडीशन देखो। ये देखो भाई, ये देखो अंदर।
भाई बीच में से निकालो, बीच में से। भाई ये चेक करो क्या कंडीशन हो गई है। बीच में से निकालो ना। तो भाई अब आ रहे से निकल के आ रहे, ये दोनों तो साइड से ले आए। भाई मैंने तो निकाल दी। उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ, मैं अंदर घुस रहा हूँ इसमें। छोड़ दो छोड़ दो बाइक छोड़ दो, जा फ्रेंक भाई मेरे पे निकले। भाई तो गाइस फ्रैंक भाई देखो खिसकते खिसकते गड्ढे में ही पहुंच गए। चलो भाई फंस गई है, फंस गई फंस गई फंस गई। ना ना फ्रैंक भाई, हाँ धक्के आगे धक्का, आगे धक्का लगा खींचो। निकली निकली निकली, चलो खड़े हो गए खड़े हो गए, हाँ खड़े हो गए। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, चलो 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 चलो, थोड़ी रह गई है। बस 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 आराम से निकालना, गंदा हो जाऊंगा मैं। बहुत मस्त। अरे इधर देखो तुम भाई, इधर तो अलग ही है, इधर तो भाई अलग ही खतरनाक सीन हो रखा है, इतनी कीचड़। गंदा हो गया भाई, एट सब गंदी हो गई। भाई देवल भाई देखो कहां जा रहे हैं बच बच के। देवल भाई खतरनाक भाई, एक बार ये चेक करो, पूरी जैकेट गंदी हो गई है। भाई गड्ढे में जा रही है इधर तो। भाई ये तो गाइस ये देखो अपनी बाइक की कंडीशन चेक करते रहो साथ के साथ। क्या हो गया भाई? अच्छा बारिश, भाई बारिश तेज आ गई है। व्हाट इज दिस ब्रो, इधर से निकालिए भाई। तो गाइस बारिश होने लगी है, हमारी जैकेट बहुत ज़्यादा गंदी हो गई होगी डेवल भाई। हाँ क्योंकि भाई अपनी में हगर नहीं है, इसके से सारी मिट्टी पीछे से आगे की तरफ आती है, पूरी टंकी तक आ जाती है। तो भाई यहाँ से चलते हैं ऊपर। अरे भाई नहीं जा पाएंगे ऊपर, तो गाइस इस पर जो घास है उसकी वजह से बाइक जो ऊपर जा नहीं पा रही है, टायर जो वहीं स्किड कर रहा है। तो गाइस चली आ गई अपनी बाइक ऊपर।
यहाँ से चलते हैं ऊपर। गाइस यहाँ से नज़ारा चेक करो एक बार, कितना मस्त मौसम हो रखा है। फ्रैंक भाई ने वाटर प्रूफ केसिंग लगा ली अपने गोप्रो पे भाई, तगड़ा है भाई। जरा एक बार मेरी जैकेट की कंडीशन दिखा देना मेरी पब्लिक को। गाइस डरना मत बिल्कुल भी, चेक करो। अरे बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ।